गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आप ही का ही हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक था। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके लिए आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए। तो गाइस, ये काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है, मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, क्योंकि सब कुछ डिस्कस होगा कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस होगा, रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड है। तो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर वन, जिनके भी नेम का इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX, तो आप लोगों को पाइल वन को चूज़ करना है। एंड जिनका भी नेम का इनिशियल है BDFHKMOQSUWY और Z, तो आपको पाइल टू को चूज़ करना है। ओके, सो मैं पाइल टू को गाइस साइड रख देती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल वन को चूज़ करा है, जिनके नेम के इनिशियल्स हैं ACEGIJLNPRTV, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं एंड उससे रिलेटेड गाइडेंस आपके लिए। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है, मदर यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्लीज बताइए। ओके, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट अ सेकंड गाइस। सन इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, तो ये मैं कार्ड इधर रख देती हूँ ताकि बॉटम ऑफ द डेक आपको क्लियरली नजर आए। आई होप इट इज क्लियर। ओके, एंड पाइल वन में रखती हूँ, इधर ही रख देती हूँ। अब तो आप लोगों को पता ही है पाइल वन क्या है। गाइस, मैं कार्ड्स एक बार फिर निकालूंगी एंड देन आपको गाइडेंस दूंगी। ओके, इससे आसानी रहती है आप लोगों को समझने में भी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक कार्ड और, जर्नी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है विक्ट्री। तो गाइस, अगर मैं पहले आपके इसी सिनेरियो की ही बात करूं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक नहीं कहूँगी काफ़ी सारे। ठीक है, काफ़ी सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं यहाँ मैं देख पा रही हूँ। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप को ठुकराया है या आपको किसी ने ठुकराया है। रीज़न क्या है, उनके स्टेटस में फ़र्क, आपके और उनके स्टेटस में फ़र्क। फाइनेंशियल इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल स्टेटस काफ़ी डिफरेंट है उस इंसान का एंड आपका। ये जो भी इंसान है जो आपके पास आए थे, उन्होंने अपना कप ऑफ लव दिया था, उसको आपने ठुकराया, और ठुकराने की वजह ये थी क्योंकि आप लोगों के पास पेंटिकल्स की कमी है, कॉइन्स की कमी है, पैसे की कमी है। एंड आपको लगता है कि इस बेसिस पे इनका रिश्ता, हमारा रिश्ता जो पहले समाज के कहने पर टूट जाए, इससे अच्छा मैं पहले ही तोड़ देता हूँ या तोड़ देती हूँ। पहला सिनारियो ये है गाइस। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की, ये है कि आप फाइनेंसेस से रिलेटेड काफ़ी परेशान हैं, मैनेज नहीं हो पा रहे फाइनेंसेस, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू सेविंग्स। जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे, एंड स्पेंडिंग अपनी बहुत जुडिशियसली कर रहे हैं विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, बट फिर भी वो सेविंग्स नहीं आ रही जैसी होनी चाहिए। एंड जिसकी वजह से सन इन रिवर्स आया है, जो ये बता रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको चाहिए बेसिकली।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे ये बता रहा है पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हालातों से आप लड़ रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, भले ही ये रिलेशनशिप वाले सिनेरियो हो या फाइनेंसेस या करियर को ढूंढ रहे हो आप, यू नो जॉब को ढूंढ रहे हो आप, तब भी आप पूरे यू नो पूरी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। बट जर्नी का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि एक साइकिल चल रही है आप लोगों की लाइफ में, ये साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये जारी है। आप में से कुछ लोग यहाँ किसी टाइप के ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ पर भी यही होता है कि थर्ड पार्टी में फाइनेंसेस आते हैं। ओके 44 नंबर आपको काफ़ी नज़र आता होगा, 222 नंबर काफ़ी नज़र आता होगा, 1010 या 555 नंबर काफ़ी नज़र आता होगा आपको। विद अ किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बोला फाइनेंसेस, आप अपनी पावर में अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है जिसके पास पैसा है उसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल उसकी ना सुनवाई होती है, ना सोसाइटी में ना इज्जत होती है, कुछ ऐसे सा माइंड सेट है आपका। विद अ विक्ट्री का डेफिनेटली आप इस सिचुएशंस में विक्ट्री चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला आप विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करे बैठे हैं, बट आपको इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहिए। ओके तो गाइज ये था एक छोटा सा सिनारियो जो मैंने आपको बताया, जो मेरे को यहाँ नज़र आया। अगर ये अब आपसे रेजोनेट करता है तो मैं आपको बोलूँगी आप आगे की गाइडेंस वगैरह ज़रूर देखें। ओके एंजल्स पाइल वन के लोगों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ओके इंटेंट एंड क्रिएट, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, हार्डनेस मिस्टिक पावर। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आई होप ये आपको विजिबल है। You and your loved ones are safe, हमारे पास आया है bottom of the deck में। बाबा जिन्होंने भी पाइल वन को चूज करा है उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? bottom of the deck हमारे पास यहाँ abundance आया है and जो cards बाबा की guidance के रूप में आए हैं वो है power of उदी, बैलेंस, यू आर यूनिक। ओके अब मैं यहां से एक कार्ड निकालना चाहूंगी एंड देन मैं आपको गाइड करूंगी आपकी इस करंट सिचुएशन में। आत्मन, ओके गाइज आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है, जस्ट अ सेकेंड गाइज। नाउ आई होप दे आर विजिबल टू यू। ओके सो गाइज अगर मैं बात करूं जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे बाहर आने की, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस कार्ड के साथ इंटेंट एंड क्रिएट, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप प्रॉपरली फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ पे, अगर आपने एक गोल बनाया है उस पर्टिकुलर गोल पे आप फोकस करेंगे, यू नो नॉट डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ कि क्या नेगेटिविटी है, लोग क्या बोल रहे हैं या कि करंट सिचुएशन क्या है, इन सबको साइड रख के अगर आप कंप्लीटली उस सिचुएशन पे फोकस करेंगे यू विल अचीव योर गोल। ओके यहाँ पे आपको दूसरा कार्ड ये बता रहा है सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन, तो ये आपको ये बता रहा है कि अभी हाल फिलहाल में गाइज जो भी अभी आपके साथ हो रहा है
ये आपकी ग्रोथ का ही हिस्सा है। अब आप ये बोलेंगे कि पेन देके कैसे ग्रोथ होती है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा यू नो गोल्ड होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है, राइट। जब वो बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको बीट किया जाता है, बीट क्या हुआ यहाँ पे हमारी सिचुएशन में, पेन, उसको पेन दिया एंड वो निखर के एक ज्वेलरी सेट बनता है, उसकी ग्रोथ होती है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ आपकी भी होगी। एंड ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ थोड़े वक्त की बात है, एक साइकिल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला जर्नी चल रही है आपकी, एंड जैसे ही ये जर्नी कंप्लीट होगी यू विल ऑल टुगेदर बी अ डिफरेंट पर्सन एंड अबंडेंस ही अबंडेंस होगी आपके पास, ओके। ये कार्ड गाइज हमें ये बता रहा है हार्नेस मिस्टिक पावर, तो डेफिनेटली आपके पास कोई गॉड गिफ्ट टैलेंट है, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो लेकिन आप नज़रअंदाज करते हो सकता है कुछ भी होने से पहले आपको कुछ साइंस मिलते हो, ब्लैक कैट कुछ लोगों को दिख सकती है, या फेदर्स, ब्लैक एंड वाइट फेदर्स, या ब्लैक फेदर या ब्राउन फेदर आप लोगों को दिखता हो क्वाइट ऑफन, लेकिन आप इग्नोर करते हो, तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आप लोग इस चीज़ को यू नो एज इज लाइक जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ये एक साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको कुछ बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको मैसेजेस देती है बट वो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे करके इस चीज़ पे आप ध्यान दें एंड इस चीज़ पे फोकस करें, ओके। एंड गाइज जो आप लोगों के मन में डर है कि आप और आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई इफेक्ट ना आए, अगर आप लव सिचुएशन में है तो फैमिली की बदनामी ना हो या कुछ, तो आपको बोला जा रहा है एंजल्स द्वारा कि दैट योर लव्ड वंस आर सेफ। एंड अगर आपके इसमें फाइनेंशियल इशू भी है कि करियर नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डर में हैं कि घर के खर्चे कैसे निकलेंगे एंड ऑल दैट, तो तभी भी आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, एंजल्स आपको देख रहे हैं, आपके एफर्ट्स को देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पेन दिया जा रहा है दैट एंजल्स आर नॉट देयर फॉर यू, एंजल्स आर वेरी मच वॉचिंग ओवर यू एंड आर देयर फॉर यू, लेकिन आपको बोला जा रहा है किसी टाइप का पैटर्न है, यू नो ये जो जर्नी होती है ना गाइज हमें हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, लेकिन हमारी ग्रोथ में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रिलीज करनी है, क्योंकि वही हमारी एज अ ब्लॉकेज होती है जो ग्रोथ को हमारी रोकती है। तो आपको ये चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है कि आप कहीं अपनी ग्रोथ खुद तो नहीं रोक रहे, कुछ ऐसा पैटर्न तो नहीं है जो तब से लेकर अब तक आप फॉलो किए जा रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इस चीज़ को एंजल्स बोल रहे हैं आपको रिकॉग्नाइज करना है एंड उसको लेट गो करना है, ओके। वहीं से ही गाइज आपकी ग्रोथ की शुरुआत होगी। एंड बाबा के मैसेजेस आपको ये बता रहे हैं यू आर यूनिक, तो जैसे कि मैंने बोला जर्नी है आप लोगों की चल रही है, तो बाबा ने भी बोला है कि आपकी जर्नी यूनिक है, अपने आप को कंपेयर करना गाइज बंद कर दो। देखो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब भी आ गया, वॉट डू यू नीड टू रिलीज, तो बाबा बोल रहे हैं अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से कि देखो दूसरों की लाइफ इतनी अच्छी है, क्या वो इस उम्र में आके सेटल्ड है, उसके बच्चे हैं एंड मैं देखो अभी तक अनमैरिड हूँ एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ जो सिचुएशन है अपने आप को कंपेयर करना गाइज बंद कर दो। सबकी जर्नी यूनिक है, सब यूनिक हैं, तो इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। बैलेंस का कार्ड गाइज यहाँ पे ये बता रहा है आपको अपनी एनर्जीज को संतुलन में लाना है, अपनी ऊर्जाओं को संतुलन में लाना है। एंड हो सके तो गाइज क्योंकि दिमाग आपका बिल्कुल शांत नहीं रहता, ये भी देख पा रही हूँ मैं, बिल्कुल शांत नहीं रहता, परेशान ही रहते हो किसी ना किसी वजह से, तो योगा करो, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन करो, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फ्रूटफुल होगा। पावर ऑफ उदी यहाँ पे ये बता रहा है, जो बाबा की उदी होती है, जो लोग साई भक्त हैं उनको पता होगा वो उदी होती है बाबा की, उसको लगाओ, ओके। एंड बाबा पे ट्रस्ट करो, ओके, डाउट मत करो, ट्रस्ट करो, ये बोला जा रहा है आप लोगों को। आत्मन को एंड बाबा आपको साथ में ये भी बोल रहे हैं कि देखो अबंडेंस आप ही की है, जो सेलिब्रेशन और अबंडेंस आप अपनी लाइफ में चाहते हो बिल्कुल होगी, बट आपको रिलीज क्या करना है, एक अपनी पावर्स को पहचानना है, अगर मिस्टिकल पावर्स हैं या यूनिवर्स आपको कोई साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दे रही हैं उसको पहचानना है, साथ ही आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको अपनी लाइफ में जो पैटर्न है जो गलत है आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करके उसको ख़त्म करना है। एंड चौथी अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो दूसरों से, ओके। आत्मन का कार्ड भी आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे
थर्ड आई चक्रा इज बिटवीन योर आईब्रोज, आपको वहाँ पे फोकस करते हुए मेडिटेट करना है। जितने भी सवाल हैं आपके मन में, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, तो उन सवालों के, सभी सवालों के एक एक करके जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास बुद्धा का कार्ड आया है। तो बुद्ध कौन थे? अगर आप बुद्धा की जर्नी जानते हो तो इतने बड़े परिवार के पुत्र होने की पुत्र होने के बावजूद भी है अपने अंदर इतने सवाल लिए बैठे थे, लेकिन उनके जवाब उनको कैसे मिले? जब उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू करा। ओके, तो वही चीज़ आपको भी करनी है। ओके गाइज, सो गाइज ये थी रीडिंग, आपको कैसी लगी? एंड आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई हो इस वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या करना है इन ऑर्डर टू अचीव अबंडेंस एंड ग्रोथ इनटू योर लाइफ। ओके गाइज, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, एंड जितना हो सके शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइज। तो जिन्होंने भी पाइल टू को चूज़ करा है, जिनके नेम के इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWY और Z, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। ओके, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल टू को सेलेक्ट करा है उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं प्लीज बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक गाइज हमारे पास आया है द टावर। ओके, ये मैं रख देती हूँ इधर आपकी क्लैरिटी के लिए। ओके, आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल टू को सिलेक्ट करा है उनके प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम्स फेस किए कर रहे हैं पाइल टू के लिए। विक्ट्री, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है टेंपल पाथ। ओके, आई होप ऐसे आपको कंप्लीटली विजिबल हैं दोनों कार्ड्स भी एंड पाइल भी। सो गाइज पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर ये आपसे रेजोनेट करे देन आप आगे की रीडिंग देख लीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारे कार्ड्स रिवर्स में कैसे हैं जबकि ऐसा होता नहीं। तो गाइज आपने जस्ट देखा, मैंने बॉटम ऑफ द डेक में टावर देखा एंड वो अपराइट ही आया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कार्ड सारे रिवर्स में करके शफल करा है, तो जो आने थे रिवर्स में वो वैसे ही रिवर्स आए हैं। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, पाइल नंबर टू यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ इशू क्या आता है। क्रिएटिव आप बहुत ज़्यादा हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं एंड डरते हैं, लेकिन ओके कुछ नया करने का सोच रहे हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल 9 to 5 की जॉब जो मैं देख पा रही हूँ। आप कुछ अपना करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, या आस पड़ोस के लोग मेरी फैमिली को कोई पॉइंट आउट तो नहीं करेंगे, या जो मैंने पढ़ाई करी है उससे बिल्कुल हट के अगर मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो उसका क्या नतीजा होगा। जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस है, जो आप चीज़ करना चाहते हैं वो स्लो है, उसकी तरफ आप ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं। जो मेहनत आप दिल से करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें आपकी विक्ट्री हो। पर आप मेरे को यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे यही बता दो
कि जब आप कर ही नहीं रहे कोई कोशिश, ओके, तो विक्ट्री कैसे हासिल कर लोगे, ओके? कुछ लोगों के लिए यहाँ डेफिनेटली कोई लव का इशू हो सकता है, आप लोगों के हो सकता है फैमिली में किसी टाइप के क्लैशेस हों, ये चीज़ आपको पहले से पता हो, बट नाउ यू गाइज आर इन लव एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि फैमिली मेम्बर्स को अगर बताया जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इस डर के मारे आप लोग अपना लव रिलेशनशिप नहीं खुल के सामने आ पा रहा या फैमिली से यू नो बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू आर वेरी मच स्कैड बट आप विक्ट्री चाहते हो, ओके? एंड फोर्थ चक्रा यहाँ पे यही बता रहा है कि आपका हार्ट चक्रा गाइज ब्लॉक्ड है। ये हार्ट चक्रा ज़रूरी नहीं है कि लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो आप प्यार करते हो अपनी फैमिली को, उस प्यार ने जो एक डर आपके अंदर रख दिया है वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। अब भले ही वो बात आपके करियर से रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ओके? सो अगर गाइज आपसे ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, गाइज टू द पॉइंट रीडिंग होती है मेरी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगी, जो मेरे को क्लियर कट नज़र आ रहा है कार्ड्स में मैं आपको वही बता रही हूँ। तो अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो आगे की रीडिंग देखिएगा। चलिए देखते हैं, ओके, वन मोर मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज, हो सकता है आपका गाइज लाइफ पाथ नंबर 7 हो, 10 या 11 हो, ओके? डेफिनेटली फैमिली से आप लोग काफ़ी डरते हैं, अगर ये लव सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, या अपने आप को प्रेशराइज करते हो लेकिन अपने आप को रियलाइज़ नहीं कराते कि आप फैमिली के प्रेशर में ये सब कर रहे हो, ओके? आप इसको प्रेशर नहीं बोलते, आप बोलते हो कि फैमिली के लिए प्यार है, ओके? ये भी मैं देख पा रही हूँ। या चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। एंड अगर आप गाइज अपने पार्टनर के लिए भी रीडिंग देख रहे हो तब भी मैं बता दूं कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली से प्यार बहुत करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप हैंडमैन सिचुएशन में कोई मूवमेंट ना हो। तो कार्ड्स हमारे पास आए हैं सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मैंने क्या बोला, फैमिली का प्रेशर, फैमिली का डर, अब वो प्यार को डर कह लो या डर को प्यार कह लो, बट यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको ऑनेस्ट होना है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। यहाँ से मैं गाइस से फेक की कार्ड लूंगी, ओके, दो कार्ड आ गए, मैं दोनों ही लूंगी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये मैं बताती हूँ आपको क्यों आया है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ अगेन। ये बिल्कुल सिमिलर सी एनर्जी है जो पाइल वन में भी आई थी, आप चाहें तो आप पाइल वन भी देख सकते हैं, ओके? चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। बाबा जिन्होंने भी पाइल टू को चूज करा है, आप उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहें। रीड दी होली बुक्स बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द पावर ऑफ उदी। आई डोंट नो व्हाई बट मेरा मन कह रहा है एक बार ही और कार्ड्स पुल आउट करूं, सो मैं और कार्ड्स पुल आउट करूंगी आप लोगों के लिए पाइल टू। डिटैचमेंट, ओके, सारे कार्ड्स गाइस मैं नहीं लूंगी,
स्वधिष्ठना, ओके ये मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। बॉटम ऑफ द डेक आया है धारणा, ओके। सो गाइज अगर मैं बात करूँ, सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बट उसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको ब्रेव और ऑनेस्टली इस सिचुएशन का सामना करना है, क्योंकि अगर आप गाइस सिचुएशन का सामना नहीं करोगे या इस चीज़ को टालते रहोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट होके बता दूँ गाइस, मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टावर का कार्ड आया है, ओके। टावर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिजिस्ट करोगे, तो प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आकर ही रहेगा, ओके। जो आपने चीज़ें छुपाई हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप या करियर से रिलेटेड, कि आप ये पैशन फॉलो करना चाहते हो, भले ही आपने पढ़ाई कहीं और करी है, किसी और चीज़ की करी है, या फिर कोई रिलेशनशिप में कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है, या जैसे कि मैंने बोला फैमिली में क्लैशेस हो सकते हैं एंड यू गाइज आर डेटिंग, ये चीज़ अगर आपने छुपाई है तो गाइज ये बहुत जल्द सामने आएगी। तो इससे पहले कि वो खुद से सामने आए एंड सिचुएशन और ख़राब हो जाए, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप क्लियर कट बता दो, ओके, लेट्स जस्ट फेस इट, ओके। एंड हायर पर्सपेक्टिव के साथ आपको बोला जा रहा है सिचुएशन को देखने का, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव ये है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी कहीं और शादी करा दें, या फिर आपका घर से बाहर आना जाना बंद कर दें, कुछ इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, या फिर घर में क्लैशेस हो जाएं आपके और आपके फैमिली के बीच में, या आपकी फैमिली आपको डिसओन कर दे, कुछ इस टाइप का अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि डेफिनेटली अगर यूनिवर्स आपको ये बोल रही है करने को, तो इसको करो, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ सम अदर प्लान्स फॉर यू। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर एक ऐसा डर लिए बैठते हैं जो डर एक्चुअली होता नहीं, लेकिन हमारे मन के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी, ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है एंड सिचुएशन को एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर गाइज खुद सोचो, अगर आपकी फैमिली को किसी और से पता लगेगा, तब वो ज़्यादा ड्रास्टिक शॉक एंड बहुत वर्स हो जाएगा सिनेरियो इन कंपैरिजन टू कि आप खुद बता दें, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, जैसे कि मैंने बोला कि डर है आपको कि आपकी फैमिली आपके साथ कैसा बिहेव करेगी, आपको डिसओन तो नहीं कर देगी, रिएक्ट तो नहीं करेगी आपके साथ, तो रिएक्शन तो होगा, बट जो रिएक्शन लेवल 100 पे होना है, वो रिएक्शन हो जाएगा 50-60 पे, ओके। एंड साथ में व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो ये आपको मैंने यहाँ पे जवाब भी आ गया आप लोगों का, दैट यू नीड टू रिलीज द फियर, योर प्रिजम्पशन एंड परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, कि अगर ये बात सामने आई तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जो भी होगा अगर आप खुद से बताएंगे तो वो फार बेटर होगा इन कंपेरिजन टू कि कोई और आपकी फैमिली को जाके बताए या किसी और से पता चले। एंड अगर आप इस सिचुएशन से रिलेटेड गाइस खुद एफर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप एफर्ट करते हैं एंड किसी और के बताए बिना आप खुद से जाके बताते हैं, तो आपको बोला जा रहा है योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। तो डेफिनेटली आपकी फैमिली इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेगी कि हमारे बच्चे ने ये चीज़ छुपाई नहीं हमसे, हमें क्लियर कट बता दिया, दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस, ओके। रीड द होली बुक्स, तो अगर आपके मन में डर है, सवाल है, या कुछ भी ऐसा है जो आप जिन चीज़ों का सवालों का जवाब आप जानना चाहते हो, तो उस चीज़ को गाइज आपको बोला जा रहा है कि आप होली बुक्स पढ़ो, ओके। गाइज मेरा चैनल बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता, आप किसी भी रिलीजन के हों, भले ही अगर आप कोई भी रिलीजन के हों, बट आपको बोला जा रहा है होली बुक्स पढ़ने को, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं तो आप साई चरित्र भी पढ़ सकते हैं, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का गाइस कार्ड यहाँ पे हमें ये बता रहा है, बाबा आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं इस कार्ड के द्वारा, कि जो भी सिचुएशंस जो आपने ख्याली पुलाव टाइप बना रखे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस चीज़ से डिटैच हो जाओ। लोगों के और लोगों के रिएक्शन और उनके सिचुएशन को जो आप कंट्रोल करे बैठे हो ना, कि ये हो जाएगा इस वजह से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये हो जाएगा मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो इस चीज़ से गाइज डिटैच होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूनिवर्स गाइज हमें जान के ऐसी सिचुएशंस में लाती है
ताकि हमारे अंदर के जो फियर्स है ना वो बाहर निकले. जब फियर्स बाहर निकलेंगे तभी ही हमारी ग्रोथ होगी. ओके एंड ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको गाइज अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. ओके हो सकता है कि इतनी सारी टेंशन लिए जो आप बैठे हैं, एंजाइटी हो रखी है, आपको एंजाइटी इश्यूज हो गए होंगे, स्टमक इश्यूज हो चुके होंगे आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में, तो आपको बोला जा रहा है आपको अपने सेक्रल चक्रा पे गाइज फोकस करना है क्योंकि यहीं से ही आपकी स्टेबिलिटी की शुरुआत होगी. एंड देखो यहाँ पे क्या है, धारणा. धारणा यहाँ पे ये बता रहा है जो एक प्री कंसीव नोशन आपने बनाया हुआ है या एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि अगर मेरी फैमिली को ये पता लग गया तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये धारणा को गाइज आपने बदलना है. ये धारणा कैसे बदलेगी, जब आप मेडिटेट करेंगे और मेडिटेशन के टाइम आप सेक्रल चक्रा पे अपने फोकस करेंगे. ओके गाइज, सो ये थी एक रीडिंग आप लोगों की. अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड गाइस लाइक ज़रूर करना हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा. मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव, लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय.